सारे लोगों ने आज हलफ उठाया है, या मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ के दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे और जो उन्होंने हलफ उठाया है इसके एक एक लफ्ज़ की उनको पासदारी करने की तौफीक अता करे। दूसरी, मैं चूँकि उसामा जायद साहब और सरदार तबीर साहब से आज मुलाकात हुई है पंजाब इकनॉमिक प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद, और मैं इनको भी स्पेशल मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्हीं काशों से जो मंडोल हमारा BHU है बहुत बड़ी इमाम में समितों की ज़रूरत भी थी, और जनाब वज़ीर सेहत के तावन से जनाब वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया, मैं इसके लिए भी इनके मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह इससे RSC बनने से उस इलाके की महरूमियाँ मज़ीद ख़त्म होंगी और लोगों को बेहतर सर्विस डिलीवरी मिलेगी। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुकर्रीन थे आज, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात ख़त्म की है, और ये पूंछ डिवीजन में मैं समझता हूँ कि जुएस शीर लाने के लिए प्रारंभ होता है, इसकी भी उन्होंने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। बेसिकली जो इंतजामी ऑफिसर होता है उसने दो ही चीज़ों पर बात करनी होती है, एक तो होती है कि आपने किस तरह डिसिप्लिन को फॉलो करना है और जो आपकी खिदमत है, तो जो आपकी खिदमत है पहले मैं उस पर बात करूँगा, फिर आपको थोड़ा सा जो हमारे बहुत ही नफीस वर्कर हैं लतीफ़ शाह साहब ने, इन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि हमने डिसिप्लिन के अंदर रह के चीज़ों को लिखना है, क्योंकि इस हवाले से हमारी परसेप्शन मैं समझता हूँ कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत काबिल फख्र नहीं है। तो हमने अपने फैसिलिटीज़ के अंदर जहाँ भी हैं हम, उसमें हमने एक डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करना है, और ये जो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने आज अनफ उठाया है ये इनके लिए दो दारी तलवार है, एक तो उन्होंने अपने वर्कर पे अखबार पर पूरा उतरना है और उन्हें इंतजामी अफसरान का दस्तोबाजू भी बनना है ताकि वो अपने जो केडर है नीचे सारे उसको एक डिसिप्लिन के अंदर लाएँ, खास करके दो चीज़ों पर, एक आदरी को बिल्कुल वजीरे से भी इस पर बात करेंगे चूँकि गवर्नमेंट की भी समझ लें इस पर जीरो टॉलरेंस है कि हमने एब्सेंटीज़म को बिल्कुल ख़त्म करना है। अल्लाह का शुक्र है बायोमेट्रिक आने से हमारी RSC के लेवल तक तो आदरी बहुत बेहतर हो गई है, नीचे अभी भी कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े मसाइल हैं, कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन आपके लिए एक और खबर है कि अभी गवर्नमेंट ने जो कल हमने सीरियल वजीर साहब के साथ जो मीटिंग हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एक ऐप लॉन्च कर रही है जिसमें लोकेशन ज़ाहिर हो गए, जितने भी हमारे मुलाजम होंगे वो उसकी जिसमें लोकेशन आना शुरू हो जाएगी कि बंदा इस वक्त किधर है किस जगह पर है, वो भी अगले हफ्ते दो हफ्ते अंदर के अंदर वो चीज़ भी सामने आ रही है। बाकी आपकी जो खिदमत हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जिस तरह बाबर साहब ने भी बात की है, इस वक्त भी ज़िले के अंदर हमारी 17 मेडिकल अफसर की पोस्टें खाली हैं और 10 SMO की पोस्टें खाली हैं, बस 27 पोस्टें हमारे ज़िले के अंदर मेडिकल अफसर की इस वक्त खाली हैं, हमारे बहुत सारे PHUs के अंदर आप लोग खिदमत दे रहे हैं और बिल्कुल आपकी जो खिदमत हैं मैं ऐसे ज़िले के अफिसर से थे उनको सलाम पेश करता हूँ और उनको सलूक पेश करता हूँ। और वैसे भी देखें एक हमारे जो इस पुंछ की आप देखें बहुत दूर दराज लगी हुई हैं, मतलब आप सिराड़ी से भी पीछे चले जाएं कोई हेल्थ फैसिलिटी भी वहाँ नहीं है, वहाँ के एक पैरामेडिकल का बंदा अगर वहाँ का रहने वाला है वो रात को किसी मुझे बताएं किसी बंदे को अगर वहाँ रीनल कॉलेज हो गया गुर्दे का दर्द हो गया बेचारे को किसी बंदे को, रात को वो उस बंदे को उठा के लाएगा वो उसको इंजेक्शन देगा और 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर उसका दर्द खत्म हो जाएगा, मुझे बताएं तो उससे बड़ा डॉक्टर से उसके अलावा कौन है उसके लिए, वही उससे सबसे बड़ा डॉक्टर उसके लिए उसकी वही है कि दूर दराज इलाके के अंदर उसने एक मरीज को रात के औकात में उठ के इंजेक्शन दिया और उसका गुर्दे का दर्द खत्म हो गया, पूरी रात उसने आराम से गुजारी है। तो ये आपकी खिदमत है, किसी से डबी छुपी नहीं है, आपके दरवाजे मेरे लिए बिल्कुल खुले हैं, जो आपके मसाइल हैं इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की अच्छे से मैंने पूरी कोशिश भी की है, मुझे 1 साल हो गया है आपकी नजीब साहब को पता है कि बहुत सारी खराबियां थी, मगर ये मैं नहीं कहता बल्कि खराबियों का मतलब थोड़ा मेरा नसर होगा क्योंकि अच्छे अच्छे अफिसर भी पहले गुजरे हैं, लेकिन कुछ इसमें मसाइल जरूर थे, मैं मसाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कुछ फाइल मुलाजमीन की फाइलें थी तकरीबन 5-6 महीने तो मुलाजमीन की फाइलें सी भी करते हुए मुझे लगा, तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बहुत सारी स्ट्रीम लाइन अभी हो गई हैं और सर्विस डिलीवरी इंशाल्लाह कोशिश की है जितनी बेहतरी हो सके, पब्लिक सर्विसन का इम्कान हो गया, अभी डॉक्टर भी आना शुरू हो जाएंगे, हमारी जो पोस्टें हैं जो 16 पोस्टें खाली हैं वो भी फिल हो जाएंगी, उससे आपका बर्डन भी कम होगा, यकीनन उससे देखें मेडिकल अफसर नहीं है किसी BHU में, एक पैरामेडिकल का हमारा जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है हमारे टेक्नीशियन वहाँ काम कर रहे हैं वो भी ओवर बर्डन हो जाते हैं, तो हमारे मेडिकल अफसर भी इंशाल्लाह PSC बादशाह का भी आ रही हैं, 16-17 पोस्टें हमारी ये फिल हो जाएंगी, बाकी SMO की पोस्टें भी वो भी प्रोसेस के अंदर हैं जो हमारी प्रमोशन होने हैं, उसके बाद जब हमारा मेडिकल अफसर का केडर पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह जिले के अंदर एक बहुत अच्छी खुशबार तब्दीली आएगी। तो मैं इसी बात पर अपनी बात खत्म करूँगा, एक दफ़ा फिर जनाब से हम का शुक्रिया अदा करता हूँ।